चंदौली वाली जनता को खतरे में डालती हुई तस्वीरें नियम कानून कायदों को ताक में रखते हुए सपाटे से सफर करती हुई नजर आ रही हैं। सवारियां ऊपर नीचे भरकर चलते हैं क्रूजर और जीप वाले। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक द्वारा क्रूजर और जीप के ऊपर कैरियर जंगले उतरवाकर अभियान की शुरुआत करते हुए पुलिस को निर्देशित किया था और पुलिस ने अपना कार्य अभियान के तहत पूरा कर लिया, लेकिन महज अभियान के तहत सिमट कर रह गया पुलिस का कार्य। आज भी आम बोली वाली जनता को खतरे में डालती हुई तस्वीरें सड़क पर नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, डूंगरपुर जिले के निठौवा थाना अंतर्गत रीछा से क्यावड़ी की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक क्रूजर चालक ने तो हद ही कर दी। गाड़ी का कोई भी भाग सवारियों से खाली नजर नहीं आया। छत पर, गाड़ी के पीछे फाटक पर, यहां तक कि गाड़ी के साइडों में और चालक के सामने कांच पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस कदर से सवारियां परी हुई नजर आ रही हैं। अगर इस गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है तो बहुत ही बड़ा हादसा सोच के परे हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस महज अभियान के तहत कार्रवाई करती है या आम जनता के साथ सुरक्षा कानून व्यवस्था को भी बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है, या फिर वाहन संचालक पुलिस को बेखौफ होकर ठेंगा दिखाते हुए इस तरह के कार्य करते हैं। इधर सवाल सवारियों पर भी उठता है कि क्या इस तरह से जान को जोखिम में डालकर सफर करना उचित है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।